हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। यहाँ पर अच्छे से आ रहे तो बस हम लोग रेडी हो चुके हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ पर जा रही हूँ। तो फिर से जा रही हूँ मैं ससुराल। और यार वाइट वाइट क्यों लग रहा है इतना? माही ज़्यादा ही वाइट लग रहा है क्या मेरा फेस? थोड़ी देर के बाद हो जाएगा, ऑयली होता ना इसी वजह से ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगा लिया मैंने। टकला तो सबको पता है आपने टकला किया है। हाँ। तो अभी जा रही हूँ फिर से ससुराल और थोड़ी देर में मतलब 2-3 घंटे रहेंगे और उसके बाद चले आएंगे घर पे। तो याद आ रही थी इसी वजह से जा रहे हैं। बच्चों को भी अच्छा नहीं लग रहा था घर पे और बच्चों का भी मूड फ्रेश हो जाएगा और हमारा भी मूड फ्रेश हो जाएगा। तो चलो माही रेडी हो गई हो? हो गया। चलो तो जल्दी मुझे से भी बांग करना है। आपको बांग करना है? आपका तो टकला ही है अद्विक, आप क्या भांग करोगे? भांग करना है मुझे। चलो उतरो। ओ चलो अद्विक जीरो। मम्मा हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। बाय। नहीं, गाड़ी निकाली पापा ने। हाँ निकाल दी है। क्या बोल रहा है अद्वि? चलो लाइट्स वगैरह ऑफ कर देती हूँ सारे। आज गाल थोड़े फूले फूले से लग रहे हैं मेरे। बंद कर दिया ना? हाँ क्या? मास्क हाँ ले लेंगे ना। अरे ये ले लो माही, ये ले लेते। ये जो गुड़ पापड़ी बनाई थी मैंने, मराठी ब्लॉग में डाली इसकी रेसिपी, वो खा रही हूँ और ये लेके भी जाती हूँ घर पे। मैं ये भर लो ना बेटा, एक रुको मैं भर लेती हूँ। घर पे लेके जाती हूँ सबके लिए, सबको पसंद आएगी। अब बहुत टेस्टी लगती है यार, तो कल से खा ही रही हूँ। और एक मिनट मास्क दो। तो बस निकल चुके थे यहाँ पर गांव जाने के लिए और ज़्यादा देर नहीं रुके हम लोग, बहुत के लिए रुके 2-3 घंटा रुके, उसके बाद चले आए क्योंकि हमें जाना था डीमार्ट। और उसके बाद डीमार्ट गए, शॉपिंग की, ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, काफ़ी सारी ग्रॉसरी शॉपिंग थी क्योंकि काफ़ी सारा सामान ख़त्म हो गया था उसके बाद, इसी वजह से डीमार्ट जाना पड़ा। और इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी जाके मिल के आ गए। और क्या होता है कि घर पर जाते हैं ना तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है बच्चों में, घर वालों में, तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो ही जाता है वहाँ पर जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर करते हैं कि सैटरडे संडे जाने की कोशिश करते हैं। इनको भी याद आती है, हमें भी याद आती है, बच्चों की ज़्यादा याद आती है क्योंकि बच्चे ज़्यादा हमारे साथ मतलब मेरे साथ ज़्यादा घुल मिल जाते हैं ना, इसी वजह से मतलब वो होता है कि यार चलो मिल के आ जाते हैं। तो ऐसे हम लोग चले जाते हैं। और मौसम देखिए कितना ज़्यादा अच्छा हो गया था, मौसम बहुत अच्छा था और इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ हमारे गांव का रास्ता। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, बच्चे खेल रहे थे पीछे। बच्चों को तो वही होता है, ज़्यादा देर का रास्ता नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 20 मिनट में पहुँच जाते हैं हमारे गाँव। तो इसीलिए और चलिए अभी गाँव अभी आ ही गया है पास में, तो चलिए जाके आ जाते हैं, मिल के आ जाते हैं सबसे। और उसके बाद फिर ना डीमार्ट गए थे तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया कुछ करने का, शूट भी किया नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ आने के बाद ना बहुत आलस आ गया था। तो सिंपल सी सब्जी बनाई, सब्जी मीन्स सब्जी में भी अंडा भुर्जी बनाई थी, अंडा भुर्जी सिंपल सी अंडा भुर्जी जल्दी बन जाती है, इसी वजह से अंडा भुर्जी बनाई, रोटी बनाई और बस वही हम लोगों ने डिनर कर लिया था।
तो ये था हमारा सिंपल सा डिनर। बस मैंने अंडा भुर्जी बनाने के लिए ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा जीरा राई चटकने के बाद मैंने उसमें हरी मिर्च डाल दी है और प्याज डाल दिया है। तो प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद उसमें डाल दूंगी सारे मसाले, मतलब जैसे कि जीरा पाउडर, जीरा पाउडर बोल रही हूँ, हमेशा जीरा पाउडर ही मेरे मुँह में आता है, धनिया पाउडर, हल्दी, और वो डाला था मैंने, क्या बोलते हैं, तो हरी मिर्च डाली थी तो लाल मिर्च नहीं डाली मैंने। हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ थी इसीलिए लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने टोमेटो ऐड किए। टोमेटो ऐड करने के बाद ही आप लोगों को पता है मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ क्योंकि टोमेटो जल्दी गल जाता है इसी वजह से। बस टोमेटो ऐड किया और ये यहाँ पर अंडे फेंट के मैंने पहले, मतलब अंडे निकाल के एक बोल में रख दिए थे और कटोरे में रख दिए थे क्योंकि ना मुझे लगा था कि अंडे ज़्यादा दिनों के रखे हुए हैं तो ख़राब हो गए होंगे, इसीलिए मैंने पहले एक बोल में वो निकाल लिए थे, उसके बाद मैंने वो ऐड किए और बस इस तरह से हिला के थोड़ी देर पका लूँगी। उसके बाद भुर्जी हमारी रेडी हो जाएंगी। उसके बाद धनिया पत्ता है तो धनिया पत्ता ऐड कर दीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस तरह से सिंपल सी बनाती हूँ और अच्छी लगती है ऐसे भी, और बहुत जल्दी जल्दी में अगर मुझे बनाना हो और बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास तो मैं इस तरह से अंडा भुर्जी बना लेती हूँ। तो बस ये था हमारा सिंपल सा डिनर। अब हम लोग डिनर कर लेंगे और उसके बाद कल मिलती हूँ आपसे डायरेक्टली। गाइज हम लोग उधर से आने के बाद डीमार्ट गए थे तो आपके साथ उसका हॉल शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी उसके बाद और बिल्कुल हालत नहीं थी मेरी कि मैं कुछ वीडियो शूट कर पाऊँ या जो सामान लाया है वो दिखा पाऊँ आपको। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज आपको दिखा देती हूँ। और हाँ, सबको ये कुर्ती अगर पसंद आ रही है तो इसका हॉल मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है, अमेजोन कुर्ती under 300 वाला। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना, 270 या 280 रुपीज़ में मुझे ये मिली थी, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है इसीलिए देख लेना। और चले फिर अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि कौन कौन सा सामान लाया है मैंने डीमार्ट से। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ऐसे ही आप दिखा देते हो सामान, अच्छी तरीके से नहीं दिखाते हो, इसीलिए मैंने सोचा चलो बैठ के अच्छी तरीके से सामान दिखाते हैं। तो सबसे पहला मैंने लिया है ये पापड़ का, बड़े पापड़ का पैकेट। तो ये मैं हमेशा ही लेती हूँ, आप लोगों को पता है, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता ही होगा कि ये पैकेट हल्दीराम का मेरे पास हमेशा ही रहता है, मतलब हर महीने मैं लेके आती हूँ। तो ये पैकेट लिया है एक, और नेक्स्ट ये पार्ले जी का बिस्किट लिया है, बड़ा पैक लिया है। फिर यहाँ पर है आशीर्वाद का 10 kg का आटा, और जल्दी जल्दी से इसीलिए दिखा रही हूँ कि फालतू में टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। फिर लिया है ये गुड्डे का फैमिली पैक ब्रिटानिया का, और इसके बाद कुछ लूज़ लिए हैं और कुछ पैकेट वाले लिए हैं। तो लूज़ में ये लिया है साबुदाना लिया है, ये कुछ 1 kg या 1 kg से ज़्यादा होगा, तो ये लिया है। और फिर एक पिस्ता लिया है, ये पिस्ते के दो पैकेट हैं। और फिर उसके बाद ये बाहर से लिया है, इसी में रख दिया था, काजू और बादाम, क्योंकि डीमार्ट में मिला नहीं इस बार तो इसीलिए मैंने बाहर से लिया, तो ये इसी में रख दिया क्योंकि उधर से आने के टाइम हम लोगों ने ले लिया था ये। और उसके बाद ये लिए है मूंगफली काफ़ी ज़्यादा है, ये 2 kg से ज़्यादा है, तो ये मूंगफली है रेड वाली। हमारे यहाँ पे वाइट वाली भी मूंगफली मिलती है इसी वजह से मैं बता रही हूँ कि रेड वाली है। और फिर लिया है लूज़ वाला ही बेसन, तो बेसन ऑलरेडी था थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा सा कम ही लिया है। फिर लिए है ये लिज्जत के पापड़, ये 2 पैकेट लिए हैं 1 kg के, क्योंकि पापड़ बहुत ज़्यादा लगते हैं मेरे घर पे, मतलब डेली हम लोग काफ़ी सारे पापड़ खा लेते हैं, इसीलिए पापड़ लिए हैं 2 पैकेट। और वो पापड़ लिए है बड़ा सा 1 पैकेट, क्योंकि हम लोग मसाला पापड़ वगैरह बनाते हैं ना। अगर आपको मसाला पापड़ की रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, बहुत अच्छा मसाला पापड़ बनाती हूँ मैं, और वो मैं इनसे सीखी हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा बनाते हैं तो उनसे ही मैं सीखी हूँ। तो मसाला पापड़ की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी लगता है। फिर लिए है ये क्या बोलते हैं पोहा, तो पोहा के 2 पैकेट लिए हैं, ये स्वस्तिक का पोहा है, पोहा के 2 ही पैकेट लिए हैं इस बार, नहीं 3 पैकेट लिए हैं। कुछ चीज़ें मैं डाल देती हूँ, कुछ चीज़ें ये डाल देते हैं ट्रॉली में, तो इसीलिए वो हो जाता है, मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है, मुझे नहीं पता रहता है। तो फिर लिया है ये कॉलिन ख़त्म हो गया था, काफ़ी दिन हो गए थे कॉलिन ख़त्म हो गया था इसी वजह से लिया है। और फिर ये ब्रश लिया है, तो ये गाला का ब्रश है बाथरूम क्लीनिंग करने वाला, तो ये ब्रश ना मेरा पूरा ख़राब हो गया था, मतलब पूरा नीचे से वो टूट रहा था, तो इसलिए ये लिया है नया। और नेक्स्ट लिया है ये एक्सो का बर्तन वॉश करने वाली, ये क्या बोलते हैं, तो सोप, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसीलिए यही मैं लेके आती हूँ हमेशा, कभी मतलब ख़त्म हो जाती है तो फिर ये लोकल शॉप से इधर से लेके आते हैं, बट ज़्यादातर यही अच्छी लगती है मुझे, काफ़ी दिनों तक चल जाती है इसीलिए ये लेती हूँ। और लिक्विड भी यूज़ करती हूँ, तो लिक्विड
वो पता नहीं कौन सी कंपनी का रहता है, तो एक के ऊपर एक फ्री रहता है, तो वही लेके आती हूँ मैं। फिर ये लिया है, ये चॉकोज के पैकेट्स है, छोटे 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 छोटे, ये पूरा पैक ही आता है वहाँ पे डीमार्ट में, तो ये लिया है। फिर ली है सौंफ, ये आधा केजी का पैकेट है, हाँ आधा केजी का पैकेट है। फिर जीरा का पैकेट है हाफ केजी का ही, हाँ ये भी हाफ केजी का ही है। फिर ये ऐसी ही चाय पाउडर ली है लूज वाली, चाय पाउडर के दो पैकेट लिए हैं ये लूज वाले। और उसके बाद ये धनिया पाउडर लिया है, सॉरी धनिया पाउडर बोल दूँ, धनिया लिया है साबुत धनिया, ये 200 ग्राम का साबुत धनिया है। ये इतना ही सामान इस बार लिया है क्योंकि ऑलरेडी सामान बहुत सारा लेके आई थी मैं 2 महीने पहले, काफ़ी सारा सामान हो गया था। आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने अगर ब्लॉग देखा है तो आप लोगों को पता ही होगा काफ़ी सारा सामान था, तो इसीलिए अभी जो जो ख़त्म हो गया था तो वो मैं लेके आई हूँ। और इस बार ये ईपी का एक ही पैकेट लाया है क्योंकि इतने लोकल शॉप से काफ़ी सारे पैकेट लेके आए थे छोटे छोटे, बट ये लेके आए हैं ऐसे ही। और इसमें कुछ तो भी फ्री है शायद, अंदर पता नहीं, पता अंदर देखना पड़ेगा क्या है तो पता चलेगा। और ये है बर्बन के पैकेट दो। और उसके बाद ये लेके आया है, ये क्या बोलते हैं, ये बॉल्स है जो हम लोग कपड़े वगैरह में रखते हैं स्मेल आने के लिए अच्छी, तो वो बॉल्स है ये वाइट वाले। और बस ये है एक्टिव पॉपकॉर्न का पूरा पैकेट ही लेके आया है, तो ये एक्टिव पॉपकॉर्न का पैकेट है। फिर है मेरे ये डाइजेस्टिव बिस्किट, तो ये पूरा पैकेट लेके आया है बड़ा सा, तो ये डाइजेस्टिव बिस्किट का पैकेट रहता ही है हमेशा, मतलब हर ग्रॉसरी शॉपिंग में। और फिर इस बार ये 5 kg ही लूज चीनी लाई है, 5 kg ही लाई है, नहीं तो हम लोग 10 kg लाते हैं, क्योंकि मैंने चीनी खाना काफ़ी कम कर दिया है और इसके बदले मैं गुड़ खा रही हूँ, इसीलिए हम लोग चीनी अभी कम लेके आ रहे हैं, ताकि मेहमान वगैरह है तो फिर चीनी लगती है, इसीलिए फिर ये चीनी लाई है, 5 kg लाई है। उसके बाद एक ऑयल का कंटेनर लाया है बड़ा सा, वो जो 15 kg का आता है वो, बस इतना ही सामान लाया है इस बार। और ये थी ग्रॉसरी शॉपिंग, और मैंने आपको दिखा दी आपकी डिमांड पे, आई होप आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिल गई होगी, पता नहीं अभी हेल्प मिल गई है या नहीं मिली है, बट मुझे लगता है थोड़ी सी तो हेल्प मिल ही गई होगी आपको ग्रॉसरी शॉपिंग करने में। तो बस ये थी हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग, कुछ थी इसीलिए इतनी ही लाई है। आप लोगों को पता ही है कितने सारा सामान लेके आई थी मैं, पिछली बार बहुत सारा खर्चा हो गया था और दोबारा ये इतना सारा खर्चा हुआ है, तो क्योंकि ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना तो इतना सारा खर्चा हो ही जाता है, मतलब कितना भी हम लोग कम करें बट हो ही जाता है वो खर्चा, तो इसीलिए। और चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और आज है मेरे एक सब्सक्राइबर का बर्थडे, तो उनका नाम है प्रिया कांबड़े, तो हैप्पी बर्थडे डियर, आपको आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ मिले और आप जो चाहो वो मिल जाए और आपकी लाइफ आगे की बहुत ही अच्छे से जाए, तो यही गॉड से आपके लिए प्रे करूँगी। और इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और इसके साथ मेरे दो और चैनल है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। और जाते जाते लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़, लाइक करने में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।